नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से मनुष्य संतृप्त और खुशहाल जीवन के लिए एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन शहर के विवेक विहार कॉलोनी में संपन्न हुआ, जिसमें ग्वालियर से चलकर डबरा पहुंची प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी बहन मुख्य रूप से पधारी। डबरा सिविल हॉस्पिटल के BMO अरविंद कुमार शर्मा, बालाजी धाम के पुजारी सोनू महाराज, गहवी वैश्य समाज के सचिव नवल किशोर कुचिया, सैयद नगर के गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें, सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर शिव बाबा का धन्यवाद किया, तदुपरांत भजनों के गीतों पर बच्चों ने नृत्य कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों के द्वारा राजयोग, धार्मिक पथ प्रदक्षक और उनकी शक्ति से मनुष्य के जीवन में किस तरह प्रभाव आता है, इसके बारे में विस्तार से धर्मोपदेश देते हुए बताया है। दीपक को हम जलाएंगे। आज के जीवन में हर व्यक्ति सुख, शांति और खुशी चाहता है। आज के प्रोग्राम का हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे जीवन में सुख, शांति और खुशी कैसे मिले। तो सुख, शांति और खुशी का दाता एक परमात्मा है। जब हमारा कनेक्शन उस परमपिता परमात्मा से जुड़ता है, तब हमारे जब उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ता है तो उनकी किरणें हमारे पास आती हैं। उनका ज्ञान जब हम सुनते हैं और उनसे हम उन बुद्धियों को जोड़ते हैं, तो सुख शांति से हमारा कनेक्शन जुड़ता है और उस परम पिता से हमें सत्यता की शक्ति मिलती है। सत्य आत्मा परमात्मा का ज्ञान मिलता है और उस आत्मा परमात्मा के ज्ञान प्राप्त होने से हमारा परमात्मा से योग लगता है, आत्मा से कनेक्शन जुड़ता है। तो हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशी, पवित्रता, ये सब कुछ स्वतः ही आता है।